बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैं डॉक्टर इरफान अली अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग एंड फार्मिंग टेक्निक विद डॉक्टर इरफान अली के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। सामीन, अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आजकल जो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि हम ग्रेप्स की डिजीज़ को कम्प्रिहेंसिवली वन बाई वन जो है वो अपनी वीडियोज़ में कवर करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी अंगूर का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया, अंगूर की फोड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और इस पर बीमारियों के आने का सिलसिला जो है वक्तन फ़क्तन जारी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ फार्मर्स ख़ुद भी कंटेक्ट करते हैं, हम अपने फील्ड्स के विज़िट में भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बीमारियाँ जो हैं वो इसमें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस दफ़ा कंडीशन जिस तरह की थी। तो आज हम जिस बीमारी का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है, बड़ी लीथल किस्म की बीमारी है और इस वक्त अंगूरों के ऊपर प्रेजेंट भी है, तो उसका नाम है जी एंथ्रेक्नोज, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो उर्दू में इसको कोल्ड भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में एंथ्रेक्नोज के अलावा इसको जो है वो बर्ड्स आई रॉट इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ये बीमारी बेसिकली ओरिजिनेटेड है या जहां पहले पाई गई थी वो था US, यानी अमेरिका में ये बीमारी सबसे पहले जो है रिपोर्ट की गई थी। यू समझ लें कि आप वहां की ओरिजिनेटेड है, वहां की नेटिव है, लेकिन जैसा कि अंगूर दुनिया में फैलता गया और ये मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा, इवन पाकिस्तान में भी पहुंचा, तो ये बीमारी वहां से इस वक्त ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जो है वो किसी ना किसी हवाले से रिपोर्टेड है। तो समीन, इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारी पैदा करने वाला जरसूमा है वो कौन सा है। तो समीन, ये बीमारी जो है ये एक फफूंद या फंजाई से फैलती है जिसका नाम है एल्सिनो एम्पेलिना। ये वो एकदम से आ जाए, बल्कि अमूमन ये सर्दियों में जो है वो इन्फेक्टेड जो ब्रांचेस होती हैं उनमें मौजूद रहती है, और जो ही स्प्रिंग का मौसम आता है और टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज करना शुरू करता है तो इसके स्पोर्स जो है वो इन्फेक्शन जो प्लांट्स के अंदर होते हैं वो काज करना शुरू कर देते हैं। ये स्पोर्स जो है जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और नमदार किस्म की कंडीशंस आती हैं, यानी वेट कंडीशंस होती हैं, अमूमन बारिश जो है वो आती है, तो इस तरह से इसके स्पोर्स जो है वो एक्टिव होते हैं और वो फैलना शुरू हो जाते हैं और अपना जो इन्फेक्शन होता है प्लांट के अंदर वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ये इसके जो पीक इन्फेक्शन होता है जी वो 2 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इन्फेक्शन जो है वो काज कर सकता है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर जितना लो हो उसको इन्फेक्शन काज करने के लिए टाइम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड डेज में इन्फेक्शन काज करेगा और अगर टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 4 डेज में जो है वो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से वंस ये जब अपीयर हो जाती है तो ये अपने फ्रूटिंग बॉडीज़ या आप यू कह लें कि अपने बीज बना लेती है जो कि थ्रू आउट द सीज़न फिर जो है वो चल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये बीमारी कब कब जो है वो पौधे पे हमलावर हो सकती है। तो अगर हम मुख्तलिफ फेजेस पौधे के निकालें तो हम ये देखते हैं कि स्वाये जो स्प्राउटिंग है, यानी जब पौधा फूट रहा होता है उस वक्त अमूमन इसका हमला कम होता है, और इसके बाद जो ही वो शाखें थोड़ी सी बड़ी होना शुरू होती हैं और उससे लेके इवन फल के पकने तक, फल के पकाओ तक ये बीमारी जो है वो हमलावर हो सकती है। उसके बाद फिर जो हमारा दोबारा से मौसम आता है बरसात, या बरसात के बाद का एक आध मंथ यानी जुलाई अगस्त में ये बीमारी जो है वो दोबारा से उसके आपके प्लांट के ऊपर जो है वो अटैक कर सकती है, हमलावर हो सकती है। इन स्टेजेस का समय ये है कि अगर आपको ये स्टेजेस पता हों कि बीमारी किस वक्त आती है तो इस तरह से आप उसको जो प्रिकॉशनरी स्प्रेज या आप यूँ कह लें कि एहतियाती स्प्रेज होते हैं उसके जरिए बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो थी उस फंगस के बारे में, उस फफूंद के बारे में कि वो कौन सी है, किन कंडीशंस में आती है और किस तरह से वो जो है वो शाखों में छुपी रहती है और फिर किस तरह से वो जाहिर होती है, ये सारा कुछ फंगस के बारे में था। अब हम आते हैं कि इसकी अलामत कौन कौन सी हैं या फिर इसकी फल के ऊपर जो अलामत हैं वो किस तरह की होती हैं। नबाताती हिस्सों में इससे मुराद हमारी ये होती है कि जो इसके टहनियाँ और पत्ते और इसी तरह से आप यूँ कह लें कि जो फूलों की डंडियाँ होती हैं जिनको हम पेटियोल्स भी कहते हैं, उनके ऊपर जो इसकी अलामत हैं वो कैसी होती हैं। तो समझ, जब ये शाखों के ऊपर आती है या छोटी टहनियों के ऊपर आती है तो उसमें ये इस तरह से होता है कि ये आइसोलेटेड किस्म के अलग-अलग से दाग बन जाते हैं इसके ऊपर, और वो दाग जो होते हैं
वो इंडिपेंडेंट या आइसोलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपस में मिले हुए हों। और उसमें ये होता है कि वो संकन किस्म के होते हैं, यानी अगर आप उनको सेंटर से देखें तो वो ऐसे होगा जैसे अंदर की तरह धंसे हुए हों, उनके एजेस जो होंगे, जो किनारे होंगे, वो या तो गोल भी हो सकते हैं, गोलाई नुमा भी हो सकते हैं, या एंगुलर भी हो सकते हैं, यानी आप यूँ कह लें कि उन कोई जाविया बना रहे होंगे, जैसे तकोन की तरह के होंगे या मुस्तकील की तरह के, किसी भी जाविये के जो है वो हो सकते हैं। तो अमूमन ये होता है कि इसका जो इन दागों का जो दरमियानी जगह है वो आपकी ग्रेइश या स्लेटी माइल होती है, जबकि इसके जो साइड हैं, इतराफे हैं इन दागों की, वो आपकी भूरे रंग की भी हो सकती हैं और बाज़ुकात बनफ्शा रंग की भी वो हो सकती हैं। अच्छा, जब ये पत्तों पर आती है तो छोटे पत्ते जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस बीमारी के खिलाफ हसास होते हैं, और अमूमन छोटे पत्तों पर ये ज़्यादा आती है। इसका ये मतलब कतन नहीं है कि ये बड़े पत्तों पर नहीं आती, लेकिन हसासियत में छोटे पत्ते जो हैं वो बड़े पत्तों से ज़्यादा होते हैं। उसी तरह से जब ये पत्तों पर आती है तो उसी तरह से ब्राउन से या ब्लैक से मार्जिन के ये बना देती है दाग, और उन दागों में जो है वो सेंट्रल एरिया जो होता है वो ग्रेइश होता है, यानी स्लेटी माइल होता है, स्लेटी दार होता है, वाइटिश होता है, और उसके एजेस जो हैं ब्लैक, ब्राउन या बनफ्शा हो सकते हैं। बनफ्शा बहुत कम होते हैं लेकिन हो सकते हैं। इसी तरह से इसके एजेस राउंड भी हो सकते हैं, इन दागों के एजेस जो होते हैं या जो इतराफी दायरे होते हैं या इतराफ होते हैं वो राउंड भी हो सकते हैं और एंगुलर भी हो सकते हैं, यानी किसी जाविये के तहत भी हो सकते हैं। अमूमन ये होता है कि जब ये पत्ते पर आती है तो इसके, क्योंकि ये जो अंदर इसके अंदरूनी हिस्सा होता है वो खुश्क होता है, तो वो थोड़े टाइम के बाद वो गिर जाता है, यानी अंदर वाला हिस्सा जो है वो खाली हो जाता है, और एक यूं समझ लें कि वहाँ पे पत्ता जो है वो सुराखदार हो सकता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट होल, उसकी अपीरेंस जो है वो शॉर्ट होल हो सकती है, या आप यूं कह लें सुराखदार हो जाता है, यानी उसमें मुख्तलिफ जगहों पे सुराख बन सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि ये जो दाग होते हैं ये आपस में कोलैस कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और उससे ये बाज़ औक़ात पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं, और अगर पूरे पत्ते पर ना फैलें तो जो इसकी वेन्स होती हैं, जो रगे होती हैं, उनके साथ साथ ये फैल जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाएं तो ये पत्ते की शक्ल जो है उसको एबनॉर्मल भी बना देते हैं, यानी अजीब सी शक्ल हो जाती है पत्ते की, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहता। अच्छा, जहाँ तक फल की बात है तो फल पर जब ये बीमारी आती है तो फूल खिलने से पहले पहले ही जो उसके जो हिस्से होते हैं, यानी बर्ड्स की फॉर्म में ये भी प्रेजेंट होते हैं, तो उस वक्त इसकी ये बीमारी जो है वो उन पर हमलावर हो सकती है, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। अगर वो बेरी के ऊपर या अंगूर के फल के ऊपर वो आती है तो उसमें उस वक्त जो है वो उसके जो दाग होते हैं वो छोटे और सुर्खी नुमा होते हैं। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल सुर्ख हों, लेकिन सुर्खी नुमा होते हैं, अमूमन सर्कुलर होते हैं। यहाँ पे ये स्पेसिफिकली सर्कुलर होंगे जब ये बेरी के ऊपर बनेंगे। फर्दर एक्सटेंड होती है, फर्दर फैलती है, तो ये उसकी उसका जो अंदर गुदा होता है ये उसमें भी चली जाती है, और उसको जो उसका बेरी होता है या जो फल होता है वो फट जाता है, उसमें क्रैकिंग आ जाती है। अच्छा, बचाव का एक तरीका ये भी है कि अमूमन ये देखा गया है कि कुछ फार्मर्स जो हैं वो इंटरक्रॉपिंग करते हैं, या ऐसे अंगूर के पौधे उन्होंने लगाए होते हैं जो कि इतराफ़ में शौक के लिए लगाए होते हैं, लेकिन उनकी तरफ फार्मर्स की जो है वो तवज्जो कम होती है। तो समझ, इंटरक्रॉपिंग में जहाँ तक बात है, तो ऐसी क्रॉप्स खासकर कुकरबिट्स या बेलों वाली जो सब्जियां हैं, या इसी तरह से तरबूज, खरबूजा है, तो इनमें अमूमन जो है वो ये एंथ्रेक्नोज आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सब्जियां इंटरक्रॉपिंग के तौर पे नहीं लगानी चाहिए जिन पे एंथ्रेक्नोज आने के चांसेस हों, क्योंकि वो उनके लिए मेज़बान के तौर पे साबित हो सकती हैं, और इस तरह से अंगूर का आपका फल भी जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए इसी तरह से कोशिश करें कि आपके बाग के साइडों पे ऐसे पौधे नहीं होने चाहिए जो कि शौक के लिए लगे हों और वो आपकी अदम तवज्जगी का जो है वो शिकार हों। अगर आपने शौक के लिए कोई अंगूर के पौधे लगाए हुए हैं अतराफ में, तो उनको भी उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से आपने बाग के अंदर पौधों को ट्रीट कर रहे हैं, ताकि वो बीमारी का जो है वो ज़रिया आपके बाग के लिए ना बन सके।
तो अब हम आते हैं कि इसमें इसको जो है वो कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका तदारुक कैसे किया जाए, जो कि सबसे अहम हिस्सा होता है वीडियो का, और इसको जो है वो काफ़ी सारे फार्मर्स इसी को सिर्फ देखते हैं। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो को डिटेल से पूरा देखा करें, ताकि कोई भी जो पार्ट है वो किसी तरह से भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, ताकि आपको कंप्लीट जो बीमारी का जो एक आप यूँ कह लें केमिस्ट्री है वो आपको पता चल सके और फ्यूचर में ये आपके लिए मुआवन साबित हो सके। तो सामिन, सबसे पहले तो ये है कि ये बीमारी को हम रोकेंगे या रोकने की कोशिश करते हैं कि हम जहरों के बगैर इसको रोक सकें। तो मैं ऐसे तरीके भी बताता हूँ जो जहरों के बगैर हम इसको रोकने में हमारे मददगार होंगे। तो उसमें सामिन ऐसा है कि सबसे पहले ये कि आप ऐसी वैराइटीज़ का इंतखाब करें जो कि इसके ख़िलाफ़ मज़ाहम हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अंगूर की वैरायटी हमारे पास एक चल रही है जिसको कहते हैं एन ए आर सी ब्लैक वैरायटी, ऐसी वैरायटी है जो कि इसके इस पर ये बीमारी जो है वो बहुत कम आती है, वरना दूसरी सारी वैरायटीज़ जो हमारे यहाँ चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं अगेंस्ट एंथ्रेक्नोज। तो ऐसी वैरायटीज़ का इंतखाब कि जो इसके ख़िलाफ़ मज़ाहम हो तो उसको आप इस्तेमाल करें अपने विनयार्ड में, तो ये इस बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक आपको आसानी रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि शाख तराशी के बाद खसूसन कि जो ऑर्चर्ड फ्लोर मैनेजमेंट है, यानी आपके ऑर्चर्ड के अंदर जड़ी बूटियों की जिस तरह से आप तदारुक करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो आपके बीमारी फैलने में किस हद तक मामन साबित हो सकता है। तो उसमें यह है कि आप प्रूनिंग के बाद, शाख तराशी के बाद, ना सिर्फ ये कि मुतासर शाखें बल्कि जड़ी बूटियां भी उखाड़ के फेंक दें, ताकि उनमें जो सर्दियों में रहने वाले स्पोर्स हैं जो उनके अंदर मौजूद थे वो वहां से तल्फ हो जाएं। थर्डली ये कि आप अंगूर की जो शाख तराशी है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल असूलों के मुताबिक करें, ताकि उसमें जो हवा और नमी, हवा का गुजर ज़्यादा हो और नमी जो है वो कम से कम हो। तो उससे ये होता है कि इस बीमारी के तदारुक में काफ़ी हद तक जो है वो आपको आसानी हो सकती है। तो शाख तराशी के सिलसिले की मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएंगी, उसमें कैन प्रूनिंग है, स्पर प्रूनिंग है, वो सारी की सारी, कितना फासला रखना है, किस तरह से उसको जो है कनोपी को बेहतर करना है, ये सारी की बड़ी डिटेल के साथ हमने कोशिश किया कि आपको इसी चैनल पे आपको मिल सके। तो उसके बाद सामिन ये है कि जो जब आप डॉर्मेंट कंडीशन में आपका पौधा होता है और आप उसको शाख तराशी करते हैं, तो शाख तराशी करने के बाद उसके ऊपर आप लिक्विड लाइम सल्फ़र, हमने पहले भी बताया कि लिक्विड लाइम सल्फ़र जो है वो उसका स्प्रे अगर आप कर दें दो दफ़ा रिकमेंडेड, हमने लिक्विड लाइम सल्फ़र की डिटेल वीडियो और उसकी रिकमेंडेशन जो है वो अपने चैनल के ऊपर दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसको अगर आप शाख तराशी के फ़ौरन बाद कर दें तो ये बीमारी काफ़ी हद तक आपको तंग नहीं करेगी। एक और अच्छी बात यह है इस बीमारी के साथ कि अगर आप डाउनी मल्ड्यू को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो वाली अद्वियात या वो वाली सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी हद तक मुवसर होंगी, तो आपको इस वलादा से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसके अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसके ऊपर हम जो है वो कौन कौन सी अद्वियात जो है या कौन कौन सी जहरें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको उन जहरों के नाम बताता हूँ जो कि आप इस पर इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि जब जहरें इस्तेमाल किया करें तो ऐसी जहरें इस्तेमाल ना करें जिनका एक्शन जो है वो सिंगल या सिंगल साइट एक्शन हो। ऐसी जहरें इस्तेमाल करें कि जिनका मल्टी साइट एक्शन हो, यानी वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के थ्रू फंगस को किल कर सकें। इस ऐसी अद्वियात में ऐसी जहरों से फंगस जो है वो रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर आप सिंगल एक्शन वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि उनको हर दफ़ा हर स्प्रे के बाद जो है दवाई चेंज करें, यानी पहले एक एक्शन वाली थी, एक तरीके से कंट्रोल करने वाली थी, तो अब वो जो है वो दूसरे तरीके से कंट्रोल करने वाली हो जाएगी। इस तरह से जो है वो आप फंगस जो है वो उसमें मज़ाहमत रेजिस्टेंस जो है वो पैदा नहीं होगी। इस सिलसिले में आप किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से जो है वो रब्ता कर सकते हैं कि और आप अगर पढ़े लिखे हैं तो फंजीसाइड की केमिस्ट्रीज को भी जो है वो उसको पढ़ के तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं।
तो मैं अब आपको वन बाय वन जो है वो जहरों के नाम बताता जाता हूँ जी, तो आप इनको एक या इसमें कई जहरें जो हैं वन बाय वन इस्तेमाल करके तो बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझिए, इस सिलसिले की सबसे पहली जो दवाई है इसको हम कहते हैं एमिस्टरटॉप। एमिस्टरटॉप जो है, यह आपको ये नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, इसका जो स्नैपशॉट है। इसके अलावा जो दूसरी दवाई है दैट इज़ नेटिवो। नेटिवो इस बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। थर्डली हमारे पास जो दवाई है दैट इज़ कैब्रियोटॉप। कैब्रियोटॉप को अपने स्प्रे स्केड्यूल में आप शामिल रखेंगे तो इस बीमारी के तदारुक में काफ़ी जो है ये मुवसर रहेगी। जो फोर्थ है, चौथी दवाई जो है दैट इज़ रूबीकॉन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, रूबीकॉन जो है ये एक और दवाई है जो इस बीमारी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुवसर पाई गई है। इसके अलावा एक और दवाई है जिसको हम कहते हैं थायोफिनेट मिथाइल या टॉप्सिन एम भी इसको कहा जाता है। ये बीमारी इस बीमारी के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा मुवसर है। कुछ लोग जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं या सेफ़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक अगर हम इस्तेमाल करें तो वो ऑर्गेनिक के ज़ुमरे में आए। तो मैं वो भी आपको दो दवाइयों के नाम बताता हूँ। जिस तरह पहले मैंने बताया कि लिक्विड लाइम सल्फ़र, लेकिन उसके लिए एहतियात आपने ये करनी है कि उसका कंसनट्रेटेड स्प्रेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डोरमेंसी के दौरान ही करने हैं। पत्तों पर पड़ने से वो पत्तों को जला भी सकते हैं। लिक्विड लाइम सल्फ़र हो गया। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये दो दवाइयाँ ऐसी हैं जो दुनिया भर में ऑर्गेनिक मानी गई हैं, यानी सेफ़ मानी गई हैं, महफूज मानी गई हैं, जो कि इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है। करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी और आप फ्यूचर में भी जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल से इस तरह की वीडियो जो है वो देखते रहेंगे। तो सामिन अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।